सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आप लोगों के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 80 तक, और इसमें आपके सारे क्वेश्चन इस पार्ट में मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगी, आप जाकर के देख सकते हैं वहां पर दोस्तों। और हर एक विषय की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से हमने पूरे विषयों को पढ़ाया है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल से देख करके सारे के सारे विषयों को अच्छे से पढ़ करके बहुत बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आ सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे से सारे विषयों को पढ़ना होगा और केवल सारी वीडियोस को आपको देख डालना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि समय अब आपके पास बहुत कम है। तो जितना समय है उसमें आप सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से देख डालिए, अच्छे से सारे विषयों को पढ़ डालिए, अगर आप चाहते हो वाकई में एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना। दोस्तों, मैंने सारे विषयों को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया है, तो आप सारे विषयों को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। अब समवर्ती सूची का मतलब देखिए, दो सूचियां होती है, एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है। तो जो केंद्र सूची होती है इस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और जो राज्य सूची होती है इस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो ये दोनों मिलकर के जिन जिन विषयों पर कानून बनाते हैं वो होती है समवर्ती सूची। तो ऑप्शन सा जो है समवर्ती सूची, इस पर दोनों के दोनों केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, और जो शिक्षा है इस पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है समवर्ती सूची, ये सही हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता दोस्तों मानते हैं, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें क्या कहा गया है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सभी राज्यों का क्या है, दायित्व है, उनको ये करना ही पड़ेगा। 2019 में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो हम सभी को पता है ये 1854 में आया था, और ये देखिए 2019 में भी पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, देश के प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना किस संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है, जो हर जनपद में डायट है आज। क्वेश्चन नंबर 86 है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, नवोदय विद्यालय योजना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों राइट आंसर है उपरोक्त सभी। सभी को शिक्षा देने के लिए ही बनाया गया है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डायट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, नवोदय विद्यालय योजना, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से ना छूटे। और इसके लिए डायट में भी प्रशिक्षण होता है, आपको पता ही है, ताकि बच्चे प्रशिक्षण लेकर के विद्यालयों में पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 87 है, बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बीईपी क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, मध्यान्ह भोजन योजना का उद्देश्य है, मिड डे मील योजना, स्कूलों में बच्चों को इंटरवल में खाना मिलता है पका पकाया, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रहना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत सरकार ने वर्ष 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा था? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दोस्तों इसे बांटा गया है 23 खंडों में, ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। 2019 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव किसने दिया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना नई शिक्षा नीति 1986 की देन है। तो ऑप्शन सा जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन का प्रावधान है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
वह 1 से लेकर के 8 तक की लड़कियों को इसमें अध्ययन करने का प्रावधान है। आपको ये भी पता है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य है हमारे देश में, यानी कि सभी बच्चों को इसकी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? तो UNDP, UNSPA, यूनिसेफ या उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? ये सभी संस्थाएं जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत क्या करती हैं? वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया गया। तो दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत 10+2+3 ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। यही कहा गया कि 10th के बाद 2 साल का इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, तो इसका सुझाव दिया गया था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? सर्वोदय विद्यालय, व्यावहारिक शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर द, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहाँ पर इस तरीके शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों की शिक्षा को अच्छे से पढ़ाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाया गया, जिसके अंतर्गत 2 कमरे 2 शिक्षकों की व्यवस्था की गई और न्यूनतम सुविधाओं में विद्यालय को शुरू करने की बात की गई ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 95 है, स्कूल चलो अभियान किसका अंग है? साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का या मुक्त विद्यालय शिक्षा का। तो आप सभी को पता है कि राइट आंसर क्या, सर्व शिक्षा अभियान का क्या है, ये अंग है स्कूल चलो अभियान। ऑप्शन बा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षा उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन आ ही सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री यानी कि किताबें और जो पढ़ाई के सामान है, TLM, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जो होनी चाहिए विद्यालय में उनको मुहैया कराना। ये सब 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो संबंध है वो प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की बात की जा रही है तो यहाँ पर लड़कियों की बात होगी ना, प्राथमिक शिक्षा तो है लेकिन प्राथमिक बालिका शिक्षा की बात हुई है क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन द जो है प्राथमिक बालिका शिक्षा से 6 से लेकर के 8 तक लड़कियां इसमें पढ़ती हैं। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा 6 से लेकर के 8 तक पढ़ती हैं। इसमें 3 क्लास की पढ़ाई होती है, 6, 7, 8 की, और इसमें 11 से लेकर के 14 वर्ष तक की लड़कियां पढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? तो आप सभी को पता है कब किया गया था, मार्च 1992 में। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? तो यही कहा था लॉर्ड मैकाले ने। क्या कहा था इन्होंने? कहा था कि समाज में थोड़े लोगों को ज्ञान दो, क्योंकि सब तो धनी होते नहीं, क्योंकि कुछ ही लोग धनी होते हैं, तो कुछ धनी लोगों को ज्ञान दिया जाए और ये ज्ञान छन छन करके समाज के निचले स्तर के लोगों तक पहुंचे। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? एक पढ़ाए एक। तो यही था इसका प्रेरक वाक्य, एक पढ़ाए एक, और इस तरीके से पूरा देश साक्षर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की स्थापना की गई थी। आप सभी को पता है डाइट की स्थापना 1987 में की गई, 1986 की शिक्षा नीति द्वारा डाइट बनाने की बात की गई थी। तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, मध्यान्ह भोजन योजना मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो मिड डे मील योजना 1 सितंबर 2004 से शुरू हुई। मिड डे मील योजना 2015 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील योजना स्कूलों में पका पकाया भोजन कब से शुरू हुआ मिलना? तो 1 सितंबर 2004 से। और जो पोषाहार योजना है, बच्चों को राशन मिलना कब से शुरू हुआ? पोषाहार योजना 15 अगस्त 1995 से। ये भी याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1995 से स्कूलों में बच्चों को राशन मिलना, पोषाहार योजना शुरू हो गई थी। लेकिन मध्यान्ह भोजन स्कूलों में मिड डे मील बनना कब से शुरू हुआ? 1 सितंबर 2004 से। क्वेश्चन नंबर 103 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? NCT का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता है कहाँ है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, ये किया गया है अनुच्छेद 21 का में, अनुच्छेद 21 ए या 21 का में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई के रटन पद्धति से मुक्त करना, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो या उपरोक्त सभी, ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से दोस्तों इसका जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है इसके अनुसार जो बच्चे का ज्ञान है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से क्या करना, जोड़ना, यानी कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ये नहीं कि बस केवल बच्चे को किताब पढ़ा दी गई, किताबी भाषा उसने पढ़ ली और फिर उसने उसी को क्या मान लिया, सही मान लिया, और फिर उसके बाद उसको अपने दैनिक जीवन में उसको अप्लाई ही नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 106 है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता देता है राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य एवं ग्राम पंचायतें दोनों। तो सर्व शिक्षा अभियान को केंद्र और राज्य सरकार दोनों सहयोग देते हैं, तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, देश का संविधान कब लागू किया, आप सभी को पता, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बा जो है ये सही। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा था आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 108 है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में ये क्या हो गया, लागू हो गया। और अधिनियम कब बना था, अगर पूछेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो 2009 में बना था, याद रखिएगा, ठीक है। लागू कब हो गया, स्वीकार कब कर लिया पूरे देश ने, 1 अप्रैल 2010 से, केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 109 है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है, समाजीकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण या विद्यालयीकरण। दोस्तों इसे हम कहते हैं सार्वभौमिकरण, यानी कि ऐसी सुविधा जो समाज के सभी वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय के लोगों को मिले, किसी में कोई भेदभाव ना हो, ऐसी सुविधा को हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिकरण कहते हैं, कि सभी को पहुंचाया जाए अनिवार्य और निःशुल्क रूप से, 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 110 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का क्या उद्देश्य, अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना या शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन कराना। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, शैक्षिक कार्यक्रम जो भी बनाए जाते हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन स्कूलों तक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, यह इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना कौन सी है। तो प्राथमिक विद्यालय में कम से कम सुविधाओं का मतलब कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, कम से कम 2 टीचर होने चाहिए, कम से कम जो आवश्यक किताबें हैं वो होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, तो ये कौन सी योजना की देन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। 2016 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने % जनसंख्या साक्षर थी, 40%, 32%, 14% या फिर 60%। दोस्तों कहीं कहीं 12% मिलता है और कहीं कहीं 18% भी मिलता है, तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों के बीच में आपको 14% मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सा को इसके अकॉर्डिंग सही मानेंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर कहीं कहीं 12% मिलता है, कहीं कहीं 18% मिलता है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, आप कहीं भी सर्च करके देखोगे, तो इसीलिए आपको ये 12% भी याद रखना है, 18% भी याद रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में फिर दोबारा आता है तो हो सकता है ऑप्शन में 12% रहे या फिर 18% रहे, इसीलिए आप लोगों को सही आंसर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से या मानसिक अभ्यास से। तो राइट आंसर है सृजनात्मक क्रियाकलापों से, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है। तो सर्व शिक्षा अभियान आपको पता है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए। 2015 में पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए। तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए या उपरोक्त सभी वर्गों के लिए। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी वर्गों के लिए। क्वेश्चन नंबर 116 है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है। दोस्तों आपको मैंने पहले बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इसका खर्च वहन करते हैं, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। 2015 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया, आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। तो हर 5 वर्ष के बाद, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा था। तो उन्होंने कब रखा था,
1937 के वर्धा सम्मेलन में रखा था। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माँ से माध्यमिक और माँ से मुदालियर, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए? दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा, जिसमें 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, जिसे हम आंगनबाड़ी कहते हैं। इन स्कूलों में या इन आंगनबाड़ियों में बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121, ह्रास की समस्या का क्या मतलब? ह्रास का मतलब होता है अपव्यय, और अपव्यय मैं आप लोगों को बहुत बार समझा चुकी हूँ कि अपव्यय का मतलब क्या होता है, कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया, एडमिशन कराने के बाद वो स्कूल आना ही बंद कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि विद्यालय बच्चा स्कूल बीच में ही छोड़ करके चला गया। एडमिशन कराने के बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो आया, लेकिन उसके बाद उसने स्कूल बिल्कुल छोड़ ही दिया, तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना बच्चे का क्या हो गया, उसका अपव्यय हो जाना। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। और इसके उल्टा अवरोधन क्या होता है? अवरोधन में क्या होता है, बच्चा एक ही कक्षा में 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, वो पास ही नहीं हो पा रहा है, कक्षा 2 से कक्षा 3 में नहीं पहुंच पा रहा है, कक्षा 3 से वो कक्षा 4 में जा ही नहीं पा रहा है, उसकी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो गया है, बाधा उत्पन्न हो गई, जिसे हम अवरोधन कहते हैं। और अपव्यय या ह्रास का मतलब कि बच्चा स्कूल आना ही बंद कर दिया, उसने स्कूल एकदम छोड़ दिया कुछ दिनों के बाद, या बीच में ही छोड़ करके चला गया। क्वेश्चन नंबर 122 है, पटेल एक्ट संबंधित है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक प्रणात्मक वृद्धि से, या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिमाणात्मक वृद्धि से, ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पर आते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है, पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को, ऑप्शन सा जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निशुल्क बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा जो है वो निःशुल्क हो और अनिवार्य हो, तो इसका जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें हम ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कहां से हुआ था? हंटर आयोग से, वुड के घोषणा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से, या फिर 1813 के आज्ञा पत्र से? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 1813 के आज्ञा पत्र से। क्वेश्चन नंबर 127 है, शिक्षा आयोग 1964-1966 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आयोग कौन सा था, आप सभी को पता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर टीएस कोठारी या श्री डीएस कोठारी, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? तो राइट आंसर दोस्तों है 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 129 है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब से शुरू किया गया? 2001 से, 2002 से, 2003 से, 2004 से? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 2004 से। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान, सबसे पहला साक्षर राज्य जहाँ पर सब लोग साक्षर है वो कौन सा है? केरल राज्य है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा केरल है। क्वेश्चन नंबर 131 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से 8 दोस्तों, और पूर्व प्राथमिक मतलब प्राथमिक से पहले, तो 6 वर्ष से पहले के जो बच्चे, यानी कि 3 से 6 वर्ष तक के, ये होता है पूर्व प्राथमिक। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 132 है, यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? तो यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 है, बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित नहीं है? दोस्तों ये पूछा है, तो बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित नहीं है? महात्मा गांधी से, जाकिर हुसैन से, बीजी खेर से या एस के सिन्हा से? तो राइट आंसर है बीजी खेर से संबंधित नहीं है, बाकी महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, एस के सिन्हा ये सब संबंधित है बुनियादी शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 134 है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना या कुपोषण की समस्या को दूर करना? तो ऑप्शन द जो है कुपोषण की समस्या को दूर करना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा? शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन सात जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया कब दिया गया था? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था वर्ष 1976 में, ऑप्शन सात जो है ये सही हो जाएगा। तो समवर्ती सूची का मतलब इस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी कानून बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 137 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो स्थापना है वो हुई थी वर्ष 1988 में। क्वेश्चन नंबर 138 है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई थी? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1993, 20 जनवरी 1995, 31 नवंबर 2000 से या फिर 17 मई 1993 से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द 17 मई 1993 से। क्वेश्चन नंबर 139 है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूरा किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ह्रास या अपव्यय। कहीं कहीं आपको अपव्यय मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा ह्रास, ऑप्शन सात जो है ये सही हो जाएगा। और अवरोधन का मतलब क्या होता है कि बच्चा किसी एक ही कक्षा में 2 साल 3 साल पढ़ रहा है, वो उस कक्षा को पास करके अगली कक्षा में पहुंच ही नहीं पा रहा है, यानी कि उसकी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो गया है। क्वेश्चन नंबर 140 है, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राम मूर्ति, डॉक्टर राधाकृष्णन, डीएस कोठारी या फिर श्री यूएन ढेबर? दोस्तों राइट आंसर है श्री यूएन ढेबर। क्वेश्चन नंबर 141, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, दुर्गाबाई देशमुख या फिर आचार्य राम मूर्ति? दोस्तों राइट आंसर है दुर्गाबाई देशमुख। 2017 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है गूंगों को, बहरों को, अंधों को या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रेल लिपि ऐसे बच्चे तो देख नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन सात जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डीपीईपी योजना की शुरुआत कब से की गई? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1997-98। क्वेश्चन नंबर 144 है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव सबसे पहले किस कमेटी ने दिया था? हरटांग समिति, कोठारी आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर रूड के घोषणा पत्र? दोस्तों राइट आंसर है हरटांग समिति ने सबसे पहले इस पर ध्यान गया था, हरटांग समिति का, शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन पर। क्वेश्चन नंबर 145 पर आते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर पूछ रहा है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब नई दिल्ली में। 2017 में ये सब के सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, ऑप्शन आ जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया? तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो किया गया 1958 में, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया है वह धारा कौन सी है? दोस्तों वो धारा है धारा 45, 2015 में, 17 में, 18 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था? तो 15 अगस्त 1995 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या फिर डीपीईपी? राइट आंसर है पोषाहार वितरण योजना। मैंने आपको बताया भी है कि 15 अगस्त 1995 से पोषाहार वितरण योजना, बच्चों को स्कूलों में राशन मिलना शुरू हुआ और 1 सितंबर 2004 से बच्चों को पका पकाया भोजन स्कूलों में मिलना शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 150, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसको कहते हैं?
तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहते हैं वुड के घोषणा पत्र को। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। और वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में। क्वेश्चन नंबर 151 है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था लोकमत निर्माण का अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था या उपरोक्त सभी का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 152 है, हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को या मुद्रा आयोग को। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है भारतीय शिक्षा आयोग को हम कहते हैं हंटर कमीशन। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? हम सभी को पता है 1964 से लेकर के 1966, यानी कि ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राम मूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो 16 दिसंबर 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए आचार्य राम मूर्ति समिति बनाई गई थी। तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने की चिंता व्यक्त की थी? पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राम मूर्ति समिति या उपयुक्त तीनों। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 156 पर आते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया कि सभी समितियों ने पढ़ाई के बोझ को कम करने की चिंता व्यक्त की थी, चाहे वो पटेल समिति हो, चाहे वो एनसीईआरटी कार्यदल हो, चाहे आचार्य राम मूर्ति समिति हो, सभी ने प्रयास किया कि जो बच्चों के ऊपर बेमतलब ज्यादा पढ़ाई का बोझ है उसको कम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 156 है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के दृष्टिकोण या फिर उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 157 पर आते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों की शिक्षा की बात इसमें की गई है। ऑप्शन आ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 159 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया, व्यक्ति एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक सृजनात्मक शाब्दिक तथा अशाब्दिक भाषा कौशल या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 160 है, पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। दोस्तों राइट आंसर है नामांकन संख्या में वृद्धि करने के लिए, जब बच्चों को स्कूल में पोषण भी मिलेगा, पोषाहार भी मिलेगा, तो बच्चे स्कूल में और एडमिशन करवाएंगे। तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 161 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष आया पूछ रहा, तो ये 2009 में आया, अधिनियम 2009 में आया, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 162 है, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास से भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, आ और बा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सा जो है आ और बा दोनों ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं, नियमित समय से स्कूलों में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 164 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी संचालित की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 2018 में देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, ह्रास एवं अवरोधन को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? छात्रवृत्ति दी जा रही है, विद्यालय में मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, निःशुल्क किताबें दी जा रही हैं, ड्रेस दिया जा रहा है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 है, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, राजस्थान, लखनऊ, कानपुर। राइट आंसर है दिल्ली में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 167 है, सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? तो सभी के लिए शिक्षा आप सभी को पता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 का लक्ष्य है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक का संरक्षक 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चे को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52 या फिर कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आ, अनुच्छेद 51 का में ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 159 पर आते हैं, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ था? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब गठित हुआ था, किस वर्ष गठित हुआ था? दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर 2005 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सब आप लोगों ने कर लिए, जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे खाली दो पार्ट में मैंने कंप्लीट करा दिया है। ऑलरेडी पवन सीरीज में पढ़ा चुकी हूँ, रन सीरीज के भी सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने आपको। सारे विषयों की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सारे विषयों की वीडियो सही समय पर मिलेंगी, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, आपको हम हर विषय की लिंक प्रोवाइड कराएंगे। जय।